ग्लो देखो चेहरे पे, आप ग्लो देख लो गाइस। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस ग्लो के लिए चलिए हम क्या क्या करना पड़ता है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रेश एलोवेरा जेल ले लिया, जिसको मैंने एक घंटे के लिए रख दिया था बाहर। उसमें जो पीला पदार्थ होता है वो हट गया। उसके बाद मैं इसको धोकर ले आई, और उसके बाद हम इसको कट करके पानी में डाल देंगे, और फिर इसके साइड से जो कांटे होते हैं उसको भी हटा देंगे। और आप ना मुझको देख देख कर ये वाला कर लीजिए, इतना ग्लो आया था चेहरे पे, क्या ही बताऊं। और ग्लो तो आना ही, अब आप सोचेंगे कि जो भी मैं बताती हूँ DIY सभी में कहती हूँ कि इतना ग्लो आया था, ये DIY है भाई, इसमें तो ग्लो आएगा ही आएगा, गारंटी पक्की है, और स्किन भी सुधर जाएगी। ओके, ये कॉस्मेटिक वाली वो नहीं है, दुकान से आपने कोई फेस पैक ले आया और लगा लिया, बस थोड़ी देर के ये ग्लो आए इंस्टेंट, उसके बाद किस्सा ही खत्म। ये DIY ना, इसका नाम ही है, आप जब यूज करोगे ना उसको, तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसको आप ऐसे छुरी की हेल्प से इसका जेल निकाल लो, एलोवेरा जेल का जेल आप निकाल लो अंदर में जो था, बाकी ये इनके जो ये छाले होते हैं इनको साइड कर दीजिए, मतलब एलोवेरा जेल के कांटे हटा दिया कीजिए और उसमें से जेल निकाल लिया कीजिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ वीडियो में। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो कॉस्मेटिक के दुकान से जो आप फेस पैक फलना चिलना ले आते हो, फलाना चिलाना ढकाना, वो नहीं है, ये DIY, वो बस इंस्टेंट ग्लो थोड़ी देर के लिए देता है। और ये जो हम करते हैं DIY, ये घरेलू नुस्खे, ये हमेशा हमारे चेहरे पे, मतलब दिन ब दिन चेहरे को सुधारता ही जाता है। तो आप चाहो तो ऐसे कंघी से भी निकाल सकते हो इसको, जेल को। और क्या क्या प्रोसेस है मैं बताती ही जा रही हूँ वीडियो में, और आप देख लीजिए, मुझको ना ये देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, मतलब कि इसको छुरी से ऐसे ऐसे घुमाने पे ये मतलब स्टिकी सा हो रहा था, जेल बन रहा था, तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और इसको ऐसे ही करके स्किन पे अप्लाई करेंगे, तो मैं दिखा रही थी कि उन दोनों को का भी मैंने निकाल लिया जेल, और यहाँ पे मैं अपना चेहरा धो कर आ गई हूँ। तो आप भी अपना चेहरा धो कर आ जाइए, और उसके बाद इस जेल को अप्लाई करेंगे हम अपने स्किन पे। और एलोवेरा जेल में, पता है एलोवेरा जेल में 75 तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल एंड विटामिन तो कूट कूट कर भरपूर मात्रा में भरी पड़ी होती है। तो ये जैसे ही हमारे स्किन पे जाती है, हमारे स्किन की झाइयाँ झुर्रियाँ सब दूर करती है, एंड हमारे स्किन को बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये हाइड्रेट कर देती है हमारे स्किन को, जो आपकी स्किन बुझी बुझी सी रहती होगी ना, इसको यूज करने के बाद बिल्कुल खिल सी जानी है। तो ये आपको यूज करना, आपके आपके स्किन पे चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, रिंकल हो, दाग धब्बे हो, इसको यूज करने से ना, मतलब डेली बेसिस पे आपको इसको यूज करें, ये नहीं कि एक दिन आपने इसको यूज किया बस हो गया आपके सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, आपको डेली बेसिस पे इसको यूज करने पड़ेंगे। और आप देख लीजिए, इसको मैं भरपूर मात्रा, और ये एक साल पहले तो ये वायरल फेस मास्क के नाम से वायरल भी बहुत हुआ था ये, तो मैं बता रही हूँ कि 5 मिनट आप आराम कीजिए आंखें बंद करके, और मैं आ गई, 5 मिनट इसको रहने दिया अपने स्किन पे, उसके बाद मैं आ गई हूँ सामने, तो देख लीजिए आप। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ले लेना है अपने हाथों पे, और उससे अपने स्किन की मसाज करनी है अच्छे से, क्योंकि शुरू में हमने अच्छे से मसाज नहीं किया था, सिर्फ उसको अप्लाई कर लिया था जेल को। तो जब हम मसाज करते हैं अपने स्किन की कोई भी चीज़ लगाकर, तो वो ना मतलब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण हमारे स्किन पे ग्लो आती है। तो आप ग्लो देख ही सकते हो कि कितना ग्लो दिया है इसने। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए ना हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ जाता है थोड़े ही, कुछ भी करने से आपका कुछ नहीं जाता, बस लाइक आप लाइक करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को। तो अच्छे से इसको 5-7 मिनट आप स्किन पे मसाज कर लीजिए अपने स्किन पे। और इसको क्या करना है आपको, अगर शाम में कर रहे हैं तो बिल्कुल रात भर ऐसे ही रहने दीजिए, धोना क्यों है, ये कोई वो खराब प्रोडक्ट थोड़े ही हम लगा रहे हैं जो इसको धो लेंगे, बिल्कुल धोना वोना बिल्कुल नहीं, मसाज करके छोड़ देनी है इसको अपने स्किन पे भी ओवरनाइट के लिए, दिन में लगा रहे हैं तो शाम तक। और मेरे तरफ से तो ये बिल्कुल A1 प्रोडक्ट है, और देख लीजिए स्किन की, और मेरे वीडियो को
लाइक कीजिए, यही मैं बता रही हूँ। यहाँ पे स्किन पे देखिए ग्लो कितना है, और जो बचा है उसका मैं क्या करूँगी, उसको बर्बाद तो बिल्कुल नहीं करूँगी, उसको मैं अपने बालों पे लगा लूँगी, क्योंकि बर्बाद तो होने नहीं चाहिए। तो थैंक यू, सी यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक